उठो चिराग उठाओ ये आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ ये एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी की ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। लक्ष्मण जी, देखिए ना नर्स बहन जी, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ इसे। घबराने की कोई बात नहीं है, आप बैठिए, मैं इसका चेकअप करती हूँ। चलो चलो उठो आराम से। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सरपंच जी? आइए आइए। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कैसी बातें कर रही हैं आप, आइए। पापा हर हफ्ते शहर से कुछ ना कुछ भिजवाते रहते हैं, इस बार मिठाइयाँ भिजवाई हैं तो मैंने सोचा आपके लिए भी ले आऊं। बैठिए। ये लीजिए। उषा, उषा जाओ बाहर जाके पढ़ लो। अरे सरपंच जी, रहने दीजिए ना इसे भी यहाँ, मैं इसके लिए भी कुछ लाई हूँ। आओ उषा, आपके लिए चॉकलेट। चॉकलेट? उषा धन्यवाद नहीं बोलोगी? अरे सरपंच जी, मैं और उषा दोस्त हैं, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। क्यों उषा? अरे एक चीज तो मैं तुम्हें देना ही भूल गई, ये शैम्पू स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है शहर से, इससे तुम्हारे बाल भी घने और मुलायम हो जाएंगे मेरे बालों की तरह, ठीक है ना? ये लो उषा। अच्छा सरपंच जी, अब मैं चलती हूँ, मदद के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। ओके उषा, बाय बाय। अम्मा बाल धो लूं? पढ़ाई कर बैठकर, बाल धो लूं। चल। कैसी है कजरी, जांच ठीक से तो हो गई ना? ठीक तो है ना? आइए बैठिए। भाभी मैं ये तो नहीं कह सकती कि कजरी बिल्कुल ठीक है, पर फिर भी अभी फिक्र की कोई बात नहीं है, उसमें खून की थोड़ी कमी है। कुछ गलत खाने पीने की वजह से? नहीं नहीं नहीं, खाने पीने की वजह से नहीं। पर उसे हुआ क्या है बहन जी? मंगला, ऐसी हालत में लड़कियों को ये सब? कैसी हालत नर्स बहन जी? मंगला मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी कि क्या बात है बहन जी, क्या हुआ है कजरी को? पुआ, मैं माँ बनने वाली हूँ।
बहन जी, ये क्या कह रही है कजरी? भाभी, ये सही कह रही है। भाभी, आप इसे लेके घर जाइए। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं शाम को आकर इसे एक बार फिर देख जाऊंगी। चल भाभी। मंगला, तुम थोड़ी देर यहां रुक सकती हो? कुछ बात करनी थी तुमसे। मंगला देखो, कजरी अभी खुद बच्ची है और उसका शरीर मां बनने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब कजरी? मंगला, जो हुआ सो हुआ, अभी हमें कजरी का बहुत ध्यान रखना होगा। 18 साल की उम्र से पहले किसी भी लड़की का मां बनना मां और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि गर्भ में बच्चे का सही से विकास ना हो। मंगला, अब से हम सबको बड़ी हिम्मत और समझदारी से कजरी का खूब ध्यान रखना होगा। जीजा, अंदर आ जाइए। मंगत बाबू, कहिए कैसे आना हुआ मंगत बाबू? जीजा है क्या? नहीं, ये तो सुबह ही हॉर्स राइडिंग के लिए निकल गए थे। अच्छा। मंगत बाबू, तभी हमारा नाम लेकर भी दरवाजे पे दस्तक दे दिया करो। वैसे उम्र बहुत लंबी है आपकी, अभी अभी हम आप ही को याद कर रहे थे। बोलिए, क्यों याद किया जा रहा था हमें? मन कर रहा था कहीं दूर घूम के आऊं। गाड़ी लगवा देंगे आप? बाहर दरवाजे पर ड्राइवर बैठा हुआ है, आवाज दे दीजिए, आ जाएगा। मुझे और भी जरूरी काम करने होते हैं। ओहो, जरूरी काम? कैसे जरूरी काम मंगत बाबू, जरा मैं भी तो सुनूं। लेकिन फिर सोचती हूँ, तुम्हारे जैसा आदमी कर ही क्या सकता है, और वो भी जरूरी काम। अपनी हद में रहना सीख लो, खुश रहोगी। और जहां तक रही मुझ जैसे की बात, तो एक बात जान लो, सिर्फ राजपुरा में ही नहीं, बहुत दूर दूर तक कई गांव में जब कोई बच्चा पहली पहली बार अपनी मूछें निकलते हुए देखता है तो यही दुआ मांगता है कि वो मर्द बने, मंगत जैसा। मर्द जिसका खुद का कोई बेटा तक नहीं है। बस, कुछ चीजें भगवान के हाथ में होती हैं। आप तो नाराज हो गए मंगत बाबू, ये ना तो आपके हाथ में है और ना ही आपके भगवान के हाथ में, ये सब तो सरपंच जी के हाथ में है, राजपुरा की पंचायत की तरह। और वैसे बेटा हो भी तो कैसे? वो कॉपर्टी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जाते जाते ड्राइवर से बोलकर गाड़ी लगवा देंगे ना प्लीज, इससे आपकी मर्दानगी कम नहीं हो जाएगी मंगत बाबू?